हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको M6 Pro 5G फ़ोन है, तो पोको M6 Pro 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस होता है, तो टच एंड साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं पोको M6 Pro 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पोको M6 Pro 5G फ़ोन है, तो इसमें आप कैसे टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग शो हो रही है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन ही आएगी। फिर आप एडिशनल सेटिंग पे जाते हैं, तो एडिशनल सेटिंग्स ओपन ही आएगी। जो टच साउंड है इसको आप ऑफ़ कर देंगे, तो जो हमारे फ़ोन का टच साउंड है ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टच साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं, और टच साउंड को ऑन करना चाहें तो ऑन भी कर पाएंगे। और आप देखते हैं जब आप बैक करते हैं, तो यहाँ से टच वाइब्रेशंस होती है, इसको भी आप यहाँ से ऑफ़ कर पाएंगे, तो आपका टच वाइब्रेशंस ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप वाइब्रेट ऑन साइलेंट मोड को भी वाइब्रेट ऑन से ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं पोको M6 Pro 5G फ़ोन में। और जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो यहाँ से भी आप सर्च करके टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ़ कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है टच साउंड, तो टच साउंड को ओपन कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको ओपन करके टच साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं। और जब आप इसको ऑफ़ कर दोगे, तो जो हमारे फ़ोन में टच साउंड है ऑफ़ हो जाएगा, और इसके ज़रिए आप टच वाइब्रेशंस को भी ऑफ़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।